बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइप्रस में जब आ जाते हैं तो एक घंटे में वो अपनी लोकेशन पर नहीं पहुँच सकते। अगर वो एक घंटे में अपनी लोकेशन पर नहीं पहुँचते और उनकी घड़ी यानी कि उनका क्वारंटाइन डे स्टार्ट नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या करना है? मेरी वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। मैं इसमें आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी बताऊँगा कि आपने पहुंचने के बाद किस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों ने कॉल करनी है और कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आप लोगों को मैं बता के रख दूँगा। तो वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी और नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएँ, मुझे फॉलो करें और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वहाँ पर आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं पर्सनली। लेकिन कॉन्टैक्ट मीन कॉल नहीं करनी, वॉइस मैसेज करना है या मैसेज करना है। इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आप लोगों को बता दूं करना क्या, जब आप लोगों ने साइप्रस में पहुंचना है आप लोगों का टाइम एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि विद इन 1 hour 59 minutes आप लोग अपनी लोकेशन पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग जब अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंचेंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को एयरपोर्ट पर उन्होंने सिम दी होगी साइप्रस की न्यू सिम, और वह जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग तुर्कसेल की कोशिश कीजिएगा सिम लेंगे क्योंकि तुर्कसेल के पैकेजेस अच्छे हैं और वो आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी अच्छी साबित होगी। और वेल जब आप लोगों ने सिम ले लेनी है आप लोगों ने अपनी डिवाइस पहन लेनी है वॉच की। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, 15,000 पाकिस्तानी करेंसी है इसकी अमाउंट। जो आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पर उस एप्लीकेशन का लिंक होगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। उसमें आप लोगों ने जो पैसे जो आप लोगों ने जमा करवाने हैं 15,000 पाकिस्तानी PKR 50,000, वो आप लोग जब 15,000 जमा करवा देंगे उसमें से आपको 17,500 रिटर्न होंगे। वो कब रिटर्न होंगे? जब आप लोगों का 14 डेज़ का क्वारंटाइन मुकम्मल हो जाएगा और वो आप लोगों को रिटर्न होंगे 7,500। वो ऑटोमेटिकली जिस अकाउंट से आप लोगों ने ट्रांजैक्शन की थी 15,000 वाली, वो ऑटोमेटिकली 7,500 आप लोगों के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अब इसके बाद जब आप लोग जब आप लोगों ने घड़ी पहन लेनी है, आप लोगों ने अपनी लोकेशन पर पहुंच जाना है। अगर आप लोगों का कोई होटल है या कोई जाने वाला है आप उसके पास क्वारंटाइन कर सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास कोई होटल नहीं है आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को यहाँ के 2-3 होटल्स का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ही वहाँ पर रेजिडेंस बुकिंग करवा सकते हैं। और जब आप लोगों ने वहाँ पर पहुँच जाना है आपका टाइम ऑफकोर्स घंटे से पहले आप लोग नहीं पहुँच सकेंगे, घंटे में क्या लेट हो जाएंगे। आपने वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है, आपने वहाँ पहुँचने के बाद आपको मैं साइट पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर शो कर देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों ने कॉल करनी है। कॉल की ऑफकोर्स टर्किश में बोलेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कॉल करने के बाद आप लोगों ने उनकी थोड़ी सी सुननी है कि वो क्या बोल रहे हैं। थोड़ी सी सुनने के बाद प्रेस आपने कर देना है टू प्रेस करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है थोड़ा, तो उसके बाद वो कॉल जा रही होगी उनकी हेल्पलाइन सेंटर पे। अब वो जब आपसे बात करेंगे आप उनसे कहेंगे इंग्लिश, ऑफकोर्स आप लोग इंग्लिश बोल सकेंगे तब टर्किश नहीं बोल सकेंगे, तो आप लोगों ने उनसे इंग्लिश में बात करनी है। वो आप लोग को बताएंगे, उन्हें बताना है कि हम एक घंटे से पहले अपनी लोकेशन पर नहीं पहुँच सके, हम लेट हो गए हैं, तो वो आपको प्रोसेस बता देंगे कि आप लोगों ने वो वॉच अपनी किस तरह एक्टिवेट करनी है। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि वो वॉच वैसे अगर आप लोग के जो मोबाइल में एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप क्लोज़ करोगे, क्लोज़ करके ऑन करोगे तो आपकी जो वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो लोकेशन जिस लोकेशन पे आप होगे वो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वही आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, मुझे लगा ये शेयर करनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली अभी मेरा एक दोस्त आया तो उसका मैंने ये प्रोसेस किया, तो मुझे लगा ये जो है ना कि ये
इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आप लोगों से शेयर करनी चाहिए और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें तो बहुत सी इन प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, बिलाल भाई हाजिर हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएँ, वहाँ पर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे सबसे पहले फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज करना है। अगर वहाँ पे मैसेज में है, अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मेरे आप वहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का मैसेज कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन मुझे कॉल नहीं करनी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना कॉल करके, क्योंकि मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे वॉइस मैसेज करना है या फिर आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। इंशाल्लाह मैं विद इन 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों को रिस्पॉन्ड ज़रूर दूँगा। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल मत किया करें, मुझसे वही क्वेश्चंस मत किया करें जो आप लोगों को मैं बता चुका होता हूँ, ये क्वेश्चंस हैं और सेम आप लोग वही क्वेश्चन मेरे से पूछ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट भी किया करें, आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, आप लोगों की इतनी हेल्प करता हूँ। जब मैं साइप्रस आने वाला था तब तो मुझे इस तरह की कोई भी इंसान हेल्प करने वाला नहीं था, मैं तो YouTube की वीडियो दे के पागल हो जाता था कि कहीं से मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के पास मैं हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, आप लोगों के पास और भी जिनके थ्रू आप लोग आ रहे हैं वो भी आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह का वो गाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में हमेशा रियलिटी ही मिलेगी। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।